उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 26 जुलाई को चौबट्टा खाल विधानसभा की जनता को फिर से करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दिया। सतपाल महाराज ने ब्लॉक मुख्यालय पर 3,38,00,000 से अधिक की लागत से बनने वाले विकास खंड कार्यालय के अनावासीय भवन का शिलान्यास किया। सतपाल महाराज ने 27,00,000 की लागत से बनने वाली चेक डैम घलडियाल भदोली सखलोनी योजना का भी शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जलागम फेज 2 परियोजना में चयनित कुल 62 ग्राम पंचायतों में से 36 एकेश्वर और 26 पोखरा की हैं। इनके जलागम विकास निधि के बजट में अतिरिक्त 6.5 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। महाराज ने जलागम योजना की ओर से 5 लाभार्थियों को गाय खरीदने के लिए 20,000 और एक ग्रुप को 1,00,000 की धनराशि का चेक भी सौंपा है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विकासखंड पोखड़ा में अनावासीय भवन का निर्माण के लिए ये 3,38,00,000 और 38,000 जो है ये स्वीकृत हुआ है। तो यहाँ पर अच्छा भवन बन के तैयार होगा। मैंने यहाँ की ब्लॉक प्रमुखा से कहा है, प्रीति देवी जी से, कि बहुत अच्छा भवन बनाइए और ये हमारे पोखड़ा की शान है और एक शान और एक बहुत ही स्मरणीय अनावासीय भवन बनना चाहिए। उसके साथ साथ ये हमारी लघु सिंचाई की योजना है जो 26,00,000 जो है और 91,00,000 की यहाँ पर जो है लोकार्पण इसका किया गया है और इससे हमारे चेक डैम बनने से काफ़ी सिंचाई होगी, किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही विकास के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही साहसी और बहुत ही रचनात्मक कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सतपाल महाराज 11वीं गढ़वाल राइफल के शहीद जवान मनदीप सिंह नेगी के पोखरा स्थित घर पर भी गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सतपाल महाराज ने पोखरा विकास खंड स्थित ग्राम भदोली में 1 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 किलोमीटर लंबे संपर्क मोटर मार्ग का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर बोलते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि हमारा मकसद चौबट्टा खाल के समग्र विकास करने का है। जो लोग 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं कि उत्तराखंड का नौजवान, जो कि देश की रक्षा के लिए अपना खून देने में हमेशा आगे रहता है, और यहाँ के लोग जिनके श्रम और ईमानदारी से सभी परिचित हैं, कभी भी फ्री के झांसे में आने वाले नहीं है। सतपाल महाराज के साथ उनके बेटे सुयश रावत, उनकी बहू मोहिना रावत और सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई PMGSY के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज।